नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फरमाने लगी, अम्मा जी हुजूर ने मेरे कान में कहा था कि फातिमा हर रमज़ान में जिब्रील अमीन एक कुरान पाक मुझे सुनाते थे, एक मैं उन्हें सुनाता था। इस साल जिब्रील ने दो सुनाए हैं। फातिमा मुझे लगता है तेरे बाप के जाने का वक्त आ गया, अब मेरी रुखसती है, मुसीबत आए तो सब्र करना, मुश्किल पड़े तो हौसला करना, अपने आप को अपने रब करीम के सुपुर्द रखना। कहती हैं जब ये बात हुजूर ने बयान की तो मैं रो पड़ी, और फिर नबी पाक ने मेरे कान में कहा फातिमा मेरे बाद जो सबसे पहले मुझे आके मिलेगी ना वो तुम ही हो, और ये भी याद रखना तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। फरमाती हैं ये बात सुनी तो मैं मुस्कुरा दी। 6 माह गुजरे हुजूर के बाद तो सैयदा फातिमा का विसाल हो गया, सिर्फ 6 माह, पूरा साल नहीं। Oh, 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 oh